मनोज जी का और बहुत लंबे समय से मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। अभी कुछ समय से उसमें तेजी आई है, तो क्या उसको अभी होल्ड करूँ, एवरेज करूँ या निकल जाऊँ? धन्यवाद जी। तो यहाँ पे सवाल है ड्रेजिंग कॉर्प के बारे में। सोमेश ये कह रहे हैं कि इनके पास ड्रेजिंग कॉर्प के 100 शेयर हैं 725 रुपए के भाव पे, और काफी समय हो गया इन्हें, ये फंसे हुए हैं, तो रखे रहें या निकल जाएं? 725 जी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, तो इनका मतलब बहुत पहले की खरीद है। हाँ यही लिख रहे हैं वो कि काफी समय से फंसा हुआ हूँ। ओके देखिए ठीक है, फंसे हुए हैं बहुत समय से, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो बेहतर है। एक बार इसका क्योंकि ड्रेजिंग एज ए बिजनेस तो अपॉर्चुनिटी तो काफी है। ओके ठीक है, थोड़ा इसका रिजल्ट ना वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव हो, जैसा मैं समझ पाता हूँ। और अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि इनके लिए एक गुड टाइम की शुरुआत होगी और ये आपको फायदा कर सकता है। अब किसके सिचुएशन में फायदा करेगा, जितने सारे पॉइंट्स हैं सारे आपके सामने रख देता हूँ। इसका रॉक बॉटम, मतलब रॉक बॉटम सपोर्ट है 400 का। 400 के नीचे इसको क्लोज नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस पे मत जाइएगा कि 200 डीएमए 365 या 375 पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो चाल शुरू हुई है, ये चाल यही कहती है कि इसको 50 डीएमए के आसपास ही सपोर्ट ले लेना चाहिए। ओके आपने जब इतना झेला है तो आपको करना ये चाहिए कि एक तो ऑफकोर्स 400 के नीचे इसको 3-4 दिन का क्लोज नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मुझे जैसा लगता है, वहां पे सपोर्ट आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे इसमें पॉजिटिविटी आएगी बेस्ड ऑन रिजल्ट। पहला इंडिकेशन होगा आपके पास 495 का, आप इसको बढ़ा के आगे कर लीजिएगा। 495 से 510 ये जो रेंज है ये रेसिस्टेंस का रेंज है। ओके यहाँ पे इसको थोड़ा वॉच कीजिएगा। अगर 510 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, मतलब ये है कि इसने जो राइज लिया है फ्रॉम 350-758 टुवर्ड्स 560-162, उसका ये करेक्शन कंप्लीट कर रहा है आफ्टर विजिटिंग 50 डीएमए, एंड इट मींस कि ये फिर से यहां से ठीक होगा और हायर लो और हायर हाई के स्ट्रक्चर में जाएगा। आज के तारीख में मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि अभी 400 जब तक ये होल्ड करेगा, ये 495-510 तक जाने की कोशिश करेगा, और डिपेंडिंग अपॉन कैसा रिजल्ट आता है, क्योंकि रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे दिख रही है, उसके हिसाब से इसमें और राइज आता जाएगा। और एवरी क्वार्टर के बाद आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि रहें या ना रहें। अगर रिजल्ट अच्छा आता जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें रहना चाहिए, मे बी ये अच्छे समय की शुरुआत है ड्रेजिंग के लिए। जी अच्छे समय की शुरुआत, तो क्या इस तरह की उम्मीद भी कर सकते हैं कि इसमें एक ये कटोरी जैसी कुछ बन जाए? और पिछली बार जो इसका टॉप बना था वो 900 के आसपास बना था। रिजल्ट सपोर्टिव है इसलिए रिजल्ट देखिए, अगर ऐसा सपोर्टिव रिजल्ट रह गया तो बन जाएगा। हाँ ये मान के चलिए कि गिवन द करंट सेट ऑफ रिजल्ट वो वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अपना, लेकिन अगर रिजल्ट इम्प्रूव करेगा तो वैल्यूएशन को एक्सीड करेगा। जी तो इसका मतलब है कि नतीजे ठीक ठाक रहे तो इसमें फिलहाल बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा जैसे आपने 400 पे निशान लगाने के लिए कहा, तो अगर 400 का लेवल नहीं टूटता है तो फिर ये स्ट्रक्चर में बने रह करके आगे ऊपर के लेवल दे देगा, तो फिर उनको फायदा भी मिल जाएगा। अगर 750 पे ले रखा है इन्होंने तो धैर्य का फल मिल जाएगा। इसीलिए कहा कभी कभी पेशेंस काम आ सकता है, बिजनेस तो अच्छा है। जी चलिए, तो ये मनोज जी इन लेवल्स का आप ध्यान रखिए, और फिलहाल इसमें आप चाहें तो बने रह सकते हैं, लेकिन हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हम आपके लिए एक बना बनाया नुस्खा नहीं देते हैं, मतलब आपको एक निर्णय बना करके नहीं देते हैं, आपके सामने इनपुट्स रखते हैं जिससे आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझें और अपने स्तर पर एक निर्णय ले सकें, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। आप अपनी ओर से भी और इसके बारे में खोजबीन करिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, पेशेवर सलाह लीजिए, और फिर एक निर्णय तक पहुंचिए, अपने आप खुद अपना एक निर्णय लीजिए।
फिलहाल जो चीजें अभी सोमेश जी ने बताई उनको ध्यान रखिए और उनके बेसिस पे अपना रिसर्च और आगे बढ़ाइए।